राजस्थान में कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा के थप्पड़ कांड ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया है। इस घटना के बाद टोंक जिले की कलेक्टर सौम्या झा ने पहली बार मीडिया से बात की और नरेश मीणा पर जमकर निशाना साधा। कलेक्टर ने कहा कि नरेश मीणा ने पॉलिटिकल प्रभाव जमाने के लिए यह पूरा हंगामा खड़ा किया और अपने समर्थकों के साथ माहौल को खराब किया। सौम्या झा ने ये भी स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों का इस घटना से कोई संबंध नहीं था, बल्कि बाहर से आए लोगों ने हालात बिगाड़े। उन्होंने ये भी बताया कि नरेश मीणा से 6 बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कलेक्टर ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान लिखित आश्वासन देना संभव नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लागू थी। सौम्या झा का जन्म 8 जून 1993 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वो 31 साल की यंग आईएएस अधिकारी हैं और इन दिनों राजस्थान में सुर्खियों में हैं। सौम्या के पास MBBS की डिग्री भी है। 2016 में UPSC परीक्षा में उन्होंने 58वीं रैंक हासिल की थी। पहले उन्हें हिमाचल प्रदेश का कैडर मिला, लेकिन बाद में उन्होंने राजस्थान कैडर अपनाया, क्योंकि उन्होंने राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी अक्षय गोदारा से शादी की थी। शादी के बाद 2 साल के भीतर उन्होंने अपना कैडर बदलकर राजस्थान में तैनाती ले ली। सौम्या झा पहले जयपुर जिला परिषद में CEO और गिरवा उदयपुर में SDM रह चुकी है। वर्तमान में वो टोंक की जिला कलेक्टर के पद पर कार्यरत है। टोंक कलेक्टर के रूप में सौम्या ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हाल ही में उन्होंने टोंक जिले में वर्षों से चल रहे अवैध पशु कत्लखानों, भूचड़खानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया। इन अवैध कत्लखानों के कारण टोंक के लोग वर्षों से परेशान थे। सौम्या की इस कार्रवाई से टोंक के निवासियों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे पहले कई कलेक्टर आए, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। नरेश मीणा के विवाद के बीच सौम्या झा ने अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और निर्णायक नेतृत्व का परिचय दिया है, जिससे उनकी कार्यशैली और भी अधिक चर्चित हो गई है।